नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का एक गजब का कॉन्सेप्ट चल रहा है आप सभी के बीच जो है, और आप लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और प्रतिदिन एक प्रश्न सिर्फ लिखना है दोस्तों। मात्र 20 मिनट आपको देने हैं, और 20 मिनट के साथ जो है आप अपने 99% कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देंगे। और ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि 120 प्रश्न लिखने के बाद जो है आपकी सारी सारी समस्याएं जो है उत्तर लेखन को लेकर के जो भी होती हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी से समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों मैं कुछ फैक्ट डेटा ऐसे दूंगा कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी और मजबूत होगी। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है, आप समीक्षा अधिकारी और अन्य कोई परीक्षा दे रहे हैं तो भी ये आपके लिए सहायक होगा। आज का जो प्रश्न है उस पर हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों। चूंकि ये वीडियो में दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लगभग आधे घंटे मैं सिर्फ इसी मोड में रहा हूं, तो वो वीडियो डालना आपके लिए सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अभियान सिविल सर्विसेज में, जिसमें हम लोग 75 डे हार्ड चैलेंज जो है एक कॉम्पिटिटिव अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें डेली आंसर प्रैक्टिस करनी है आपको सिर्फ एक प्रश्न 30 दिन, और आगे के 45 दिन जो है वो आपके दो प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 120 प्रश्नों को लिखना है। और ये लिखने का जज्बा अगर आपको चयन लेना है तो इसे आपको पूरा करना ही पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आज का हमारा जो प्रश्न है वो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्न क्या है उस पर हम लोग आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि 75 डेज जो है हार्ड चैलेंज का ये दूसरा दिन है। पहले दिन राजाराम मोहन राय से प्रश्न था, उसको आप जाकर के लिख सकते हैं। ये पूरा मैं लिख चुका हूं इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, हम लोग इसे 12 से 15 मिनट में ही खर्च समाप्त कर लेंगे, क्योंकि इस पे एक मैं वीडियो बना चुका था लेकिन जो है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो चलिए एक बार मैं फिर देख लेता हूं कि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पूरा जो है आधे घंटा जो है मेरा टाइम इसके लिए जो है गड़बड़ हुआ था। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इन प्रश्नों को प्रश्न को सॉल्व करने के। तो दोस्तों ये प्रश्न है, क्या आपकी राय में महिला आरक्षण बिल 2023 महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित हो सकता है? इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करें। इन योर ओपिनियन कैन द वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 प्रूव टू बी एन इफेक्टिव स्टेप टुवार्ड्स इंप्रूविंग एम्पावरिंग वुमेन पॉलिटिकली? प्रेजेंट योर व्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये आपको बताना है। अब देखिए बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों की समस्या क्या होती है दोस्तों, ये महिला आरक्षण बिल देखते ही क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं कि भैया महिला आरक्षण बिल इस दिन आया था लोकसभा में, इस दिन पेश हुआ राज्यसभा में, इस दिन पास हुआ राष्ट्रपति ने, इस दिन हस्ताक्षर की 106वां संविधान संशोधन विधेयक बिल था, और 128वां जो है ये विधेयक था, और साथ ही दोस्तों इसमें ये प्रावधान किए गए हैं लोकसभा राज्यसभा, और प्रावधान में ही 90% अपना जो है एनर्जी वेस्ट कर देंगे पेज के साथ साथ जो है, और कहेंगे कि हमको नंबर नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ना कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आप करते हैं कि पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए लिखना क्या है और कौन कौन से पार्ट लिखने हैं। ऐसा नहीं कि बिल के बारे में हमें कुछ बताना नहीं है, हमें मैक्सिमम फोकस कहाँ करना है, पहले प्रश्न को पढ़ने और समझने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो क्या आपकी राय में महिला आरक्षण बिल 2023 महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक कारगर कदम है? कि कारगर कदम है सशक्त बनाने की दिशा में राजनीतिक, इस पर हमें मंथन करना, ठीक है ना, कि सही है कि नहीं सही है। हाँ, आरक्षण बिल क्या है इसको भी थोड़ा बहुत बताना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला काम जो कि आप ऑल अवेज कर लिया करें, 30 से 40 सेकंड लगते हैं अगर आप कोई प्रश्न लिखते हैं तो, इसकी फ्रेमिंग हल्का सा पेंसिल से बना लें पेपर पे कहीं पे भी आप जो है साइड में, और उसको बाद में मिटा दें। ये आप जो है फ्रेमिंग नहीं बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी छोड़ सकते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे, इंट्रो। इंट्रो आपको दो लाइन में देना है, जो कि ऐसा इंट्रो हो जो इंफॉर्मेटरी हो, इंफॉर्मेटिक हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जो है कुछ ऐसी चीजें हवा हवाई लिखते जा रहे हैं कि यह महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, ये ऐसा होगा हवा हवाई, जो कि हिंदी माध्यम में ज्यादातर लोग यही करते हैं। सीधे से हम लिखेंगे कि महिला जो आरक्षण बिल जो है 2023 यह जो है, अब ये बिल की जगह क्या लिखेंगे आप, एक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, एक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, कानून लिखेंगे। तो ये क्या जो है, ये बिल जो है जब कानून बन गया है तो ये जो है महिला आरक्षण बिल जो है किस नाम से आया, तो पहले उसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया, इसको पास किया गया,
और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अक्टूबर लास्ट में, या डेट आपको याद हो 28 या 27 को, ये क्या हो गया, एक अधिनियम बन गया। और ये जो है इसमें 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे पारित किया गया और 128वां जो है ये बिल था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, ये राज्यसभा में नहीं है, केवल लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में, इनमें 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। दैट्स इनफ। ये आपका इंट्रो में थोड़ा सा हमें बिल के बारे में भी अगर शब्द आया है तो इस पर हम लिखेंगे। तो इसके लिए ग्राफ चार्ट बना दे तो और अच्छा है। तो व्हाट इज विमेन रिजर्वेशन बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? ये बिल को विमेन रिजर्वेशन एक्ट आप कह सकते हैं और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहेंगे, ठीक है ना। अब अधिनियम हो गया है क्योंकि प्रश्न उसी दिन बना हुआ था, इस वजह से आप लोग, तो प्रश्न हम लोग रेगुलर बनाते रहते हैं, इसके बारे में आप लोग देखते भी रहते हैं कि हम लोग रेगुलर आपको अपडेट किए रहते हैं। प्रतिदिन मैं खुद लिखता हूं, मैं अपने साथ जो है सारी चीजें आपको अपडेट करता रहूंगा। तो ये पहला तो इंट्रो हो गया, उसके बाद मेन बॉडी में इसके 5 पार्ट हमने लिखने हैं और तीसरा जो है कंक्लूजन आपको लिखना है, ठीक है ना। तो मेन बॉडी में 3 पार्ट आपको लिखने हैं, व्हाट इज विमेन रिजर्वेशन एक्ट और वो जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। अब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है ऐसा कुछ, तो हम इसके चैलेंजेस लिखेंगे, चुनौतियां, क्योंकि और चुनौतियों का उदाहरण देंगे दोस्तों। जैसे पंचायत मूवी में आपने देखा था, पंचायत मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया ग्राम प्रधान की भूमिका जो है, प्रधानपति के रूप में कैसे है, कैसे जो है महिला एसडीएम आती डीएम आती है और जब झंडारोहण होता है तो उस समय किस प्रकार से पहली बार तैयार किया जाता है ग्राम प्रधान को, जो कि महिला है और उनको राष्ट्रगान नहीं याद है और बहुत सारी चीजें हैं। ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके माध्यम से हम बताएंगे कि भाई ये तो चैलेंज हम पहले भी ग्रामीण स्तर पर लागू कर चुके हैं लेकिन उसका कोई बहुत लाभ नहीं मिला, प्रधानपति जैसी संकल्पना आगे बढ़ी, फिर उसमें चुनौतियां कौन कौन सी आएंगी, और भी चुनौतियां जैसे महिलाएं साक्षर कम है, मतलब कि उन्हें एजुकेट पहले करिए, अच्छे से अवेयरनेस उनके अंदर नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, ये समस्या होगी। और फिर जो भी महिलाएं सक्षम है, सजग है, अवेयर है, वो तो आ ही रही है, 14% जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन है ही पहले से ही, तो हमें पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को फोकस करना पड़ेगा कि उनको आगे लाया जाए, जो दलित हैं, वंचित वर्ग हैं, जिनके जो गरीब हैं, जो महिलाएं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो अगर आप चुनाव लड़ पाएं और सदन में जाएं, जो जनजाति क्षेत्र से हैं, जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो जा करके कुछ इसका लाभ मिलेगा। तो ये चैलेंजेस लिख करके आप एक चुनौती देंगे, अब निष्कर्ष देंगे, निष्कर्ष जो होगा दोस्तों वो हमेशा इस बिल के पक्ष में होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया है, ढेर सारी पक्ष विपक्ष सभी ने बहस की है, बहुत सारे समितियां आदि बनी होंगी, बहुत सारे लोगों का बहुत सालों से ये चल रहा है मामला, तो इसके पक्ष में ही हमें कंक्लूजन देना है। तो इसमें क्या लिखना है दोस्तों, पहला तो हम लिख देंगे कि महिला आरक्षण बिल 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से अक्टूबर 2023 में लाया गया और इस जिसका जिसकी प्रमुख विशेषताएं ये है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, इसमें 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, 2023 के द्वारा, ये जरूर लिखना है आपको 106वें संविधान संशोधन अधिनियम और 128वें जो है, ये अगर आप समय मिले तो लिख देंगे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, ये बिल है और ये अधिनियम। और तो इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या, भाई लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में और दिल्ली विधानसभा में, इन 3 जगह जो है इनका क्या है आरक्षण मिलेगा, 33% आरक्षण इनको होगा। अभी जो है हमारा चाहे तो अगर आपके पास समय हो, संविधान में ये संशोधन हमें करने को मिलेंगे, अनुच्छेद 332 से 330 ए 239 ए, इसमें जो है संविधान संशोधन करने को देखने को मिलेंगे हमें, और इसके द्वारा जो है अब जो है ये एक संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है, ठीक है ना। इसके सकारात्मक परिणाम को हम देखेंगे दोस्तों, चूंकि इस प्रश्न को मैं पहले लिख चुका था तो ये आपके लिए कम समय में होगा, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा का ये वीडियो बना था और वीडियो थोड़ी खराब हो गई जिस वजह से हमें दोबारा ये शूट करना पड़ता है, बहुत समस्याएं होती है दोस्तों लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में, बहुत सारी लाइव क्लासेस में समस्याएं कम होती हैं क्योंकि लाइव जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ये रिकॉर्डेड क्लासेज आपको जा रही है। कल जो है लाइव क्लास होगी 5 PM पर या आपका 9 AM पर, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे इन्हीं पर 75 डेज चैलेंज पर ही, ठीक है ना। और आपके 75 डेज जो है प्रीलिम्स का भी एक चैलेंज आएगा दोस्तों, 75 दिन का प्रीलिम्स का भी एक चैलेंज मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं और आपकी जो है इस बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सुरक्षित करवाऊंगा। इन 75 दिनों में ही आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी करने के लिए एकदम बेकरार रहेंगे।
तो चलिए इसमें शुरू करते हैं, क्या है सकारात्मक परिणाम दोस्तों। महिलाओं की लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधान मंडलों में 35% उपस्थिति इन्हें न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक आर्थिक और वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगी, क्योंकि ये महिलाएं अपनी बात सशक्त रूप से रख पाएंगी। विधि निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। SDG गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है नंबर 5, जिसको लैंगिक समानता में वृद्धि होगी, जिससे कि हम SDG गोल्स यूनाइटेड नेशन के जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे, ठीक है ना, ये इसमें सहायक होगा। साथ ही पितृसत्तात्मक समाज की सोच में परिवर्तन आएगा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त होने से महिलाओं के जो छोटे छोटे लोकल स्तर पर जो डिमांड होती है, खास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो महिलाएं बहुत ज्यादा जो है मजदूर वर्ग से महिलाएं बहुत ज्यादा आती हैं, जनजाति वर्ग से महिलाएं आती हैं, उन महिलाओं को अपने अधिकार अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, लेकिन आप 4-5 ही लिखेंगे, इस इतने कम शब्दों में ही आप लिख करके, जैसे हमें क्या करना है कि मिनिमम शब्दों में लिख करके अपना प्रश्न खत्म करना है, ये 150-200 शब्द में ही टोटल आपको करना है। चुनौतियां क्या क्या है दोस्तों, चुनौतियां जो है पंचायतों में विभिन्न राज्यों में 33% से 50% तक आरक्षण दिया गया है, लेकिन महिला सशक्त होने की जगह जो है प्रधानपति जैसी संकल्पनाएं बढ़ी हैं, ठीक है ना, महिलाओं को सिर्फ एक कैंडिडेट के रूप में देखा गया है, जो कि अभी भी पितृसत्तात्मक समाज की जो संकल्पना है हमारे यहाँ जो वो पूरी तरीके से साबित होती है। और उसके माध्यम से आप देखते हैं कि लोकल स्तर पर जो है महिलाओं की स्थिति वही है कि जो पति कहेंगे तो ना बोलेंगी, पति कहेगी तो ना बोलेगी, बस उनको अंगूठा लगाना, हस्ताक्षर करना, बस इतना आता है, बाकी चीजें जो है सारे प्रधानपति कर रहे हैं। तो ये तो अभी चुनौती रही है, और इसकी मेन वजह क्या है, इसका वास्तविक अर्थ तभी निकलेगा जब दलित व पिछड़ी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि अभी भी आप देखें पंचायत में हम SC ST भी रिजर्वेशन दे चुके हैं, लेकिन क्या वो SC ST महिलाएं कभी जागरूक हो रही हैं? तो वो जागरूक नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनको जो है अवेयर नहीं किया जाता है। तो महिलाओं को पहले तो साक्षर बनाएं, उनको अवेयर बनाएं, फिर ये अधिकार दें तो वो उन अधिकारों का सदुपयोग कर सके। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, साक्षरता की कमी है, जागरूकता की कमी है, राजनीतिक जागरूकता की तो बिल्कुल कमी है, उनको पता ही नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां कौन है, कौन सी हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, विदेशों में क्या सिस्टम है, किस तरीके से लोकतंत्र काम करता है। इन सब चीजों की समझ जो है लोकल स्तर पर दलित महिलाओं के पास, जो ऐसी महिलाएं अनपढ़ हैं, जो ऐसी महिलाएं जो है जो ग्रामीण स्तर पर हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। वैश्विक स्तर पर क्या है, अभी सोशल मीडिया आदि के आने से कुछ जो है अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन ऐसे भी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपने कार्यों को, अपने अधिकारों को समझें, ठीक है ना। तो ये चुनौतियों के बावजूद भी ये अधिनियम बड़ा ही हमारे लिए कारगर है। यद्यपि इस अधिनियम में भारतीय महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव को इसके लागू होने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो हर बसाई नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। पहले नेगेटिव चीजें हमें नहीं देखनी है, पहले तो क्या करना है, इस अधिनियम को लागू किया जाए, फिर समस्याएं दिखेंगी, फिर उसमें संशोधन होंगे, फिर और जैसे कोई भी भारत स्वतंत्र होगा, स्वतंत्रता इसलिए नहीं हम नहीं ले सकते थे कि भारत के पास कोई मशीनरी नहीं है, हम क्या इस प्रकार से राज करेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे तो हम कैसे भारत देश चला पाएंगे, अगर ये सोचते तो हम तो कभी आजाद ही नहीं होते। तो इस सब मानसिकता से निकल करके पहले इसको लागू कराने की आवश्यकता है, और इस कानून का बनना ही भारतीय लोकतंत्र में मील का पत्थर है। 1996 से किए जा रहे प्रयास, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर से ये बातें चल रही हैं, कई बार इस बिल को पेश किया गया और राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में नहीं हो पाया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और अन्य सभी राजनीतिक दलों के जो है सहयोग की कमी की वजह से ये बिल जो है हमेशा फेल होता रहा, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे पूर्ण किया, जो भारतीय संसदीय प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण, महिलाओं की भागीदारी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और ये मील का पत्थर कानून है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए। तो ये आप टोटल इस तरीके से अपने उत्तर को बताएंगे, क्लियर है ना दोस्तों। हमारे जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम की कुछ विशेषताएं, विशेषताओं को हम बात करेंगे, उसके बाद इसको कंक्लूड करके खत्म करेंगे इस उत्तर को दोस्तों। एक डैप करके हमारा डेली आंसर प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है, जो पूरे साल चलता है, 240 दिन इसमें लिखने होंगे आपको, 240 से अधिक प्रश्न यहाँ लिखाए जाते हैं, बाकी PDF और वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगी। 3499 इसकी फीस होती है, और साथ ही दोस्तों आपके ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें आपकी जो है अगर ऐसे और GS दोनों एक साथ आप लेते हैं तो मात्र 4000 आपको देने होते हैं, इसमें 999 आपका 500 रुपए का बचत होता है। और साथ ही दोस्तों अगर आप जो है हमारे साथ, आपके अंदर चैलेंज लेने की क्षमता है, अगर आप दो दिन दोस्त मिलकर के ये काम करते हो तो आपके लिए बहुत फायदा, ये 1000 रुपए जो है आपके जो है ना लाखों रुपए बचा देंगे। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ ना 120 प्रश्न लिख के देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों आपका पैसा डबल स्कीम है, ये वैसा डबल नहीं 10 गुना स्कीम है।
आप लाखों रुपए की जो कोचिंग में पैसे बर्बाद करते हैं ना वो बचा लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी करनी है वो भी समझ विकसित कर लेंगे। अगर आप खाली हैं, स्टूडेंट हैं, आपको तैयारी करनी है तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़िए, 75 दिन रेगुलर होकर के देखिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियोस देख करके उत्तर लिखिए, फ्रेमिंग इस तरीके से मैंने बता दी तब उत्तर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी दोस्तों आज के क्लास की। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी। इन सभी कोर्सेज को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए हमारा डाउनलोड करें ऐप अभियान सिविल सर्विसेज, और हमारी वेबसाइट abhyansivilservices.com पर जाकर के इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हम लोग अगले तीसरे दिन। और ये 75 डेज आप सभी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन इस चैलेंज को अगर देखिए सभी लोग इस काम को कर लेते तो सभी लोग आईएएस पीसीएस नहीं बन जाते। तो आपको पता है ना कि 99% लोग फेल हो जाते हैं, तो आप 1% में आना है तो हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।